बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा अंकल जी, इतने से छोटे से कमरे में रहना मुश्किल तो रहता होगा, परेशानी तो काफ़ी होती होगी है ना, क्योंकि सामने इतना बड़ा नाला भी है आपके। अच्छा तो भाई साहब आप ये है धारावी की गलियाँ। भाई धारावी एक ऐसा इलाका है ना कि यहाँ पर जो है ना इन गलियों में 15 लाख लोग रहते हैं, सामने रहते हैं बिल्कुल, देख रहे हो ये देखो भाई साहब रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल वगैरह सारे काम कर रही हैं। ये देखो यहाँ पर ये पानी वगैरह चल रहा है। चलो अभी चलते हैं। छोटे छोटे घर हैं पर इनकी तो घरों की है ना कीमत बहुत ज़्यादा, 30 लाख 40 लाख 50 लाख। बेटा पा रहे गली किधर जा रही है ये गली? नहीं ले सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्लॉग। सो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई नहा धोकर रेडी हो चुका है। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एशिया की सबसे बड़ी बस्ती जिसका नाम है धारावी, जो कि हमारे मुंबई में स्थित है। तो गाइस वहाँ के लोग किस तरह रहते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना पीना, वहाँ के लोग अपना कैसा गुजारा करते हैं, जैसे कि आपने कभी सोशल मीडिया या न्यूज वगैरह पर काफी देखा होगा। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ की पूरी बस्ती और वहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो लोग किस तरह यहाँ पर अपना गुजारा करते हैं, किस तरह रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो चलो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना और निकलते हैं यहाँ से फटाफट से क्योंकि काफी लेट हो चुका हूँ। ओके लव यू बाय। तो फाइनली गाइस अपनी जो है ना बोट आ गई, क्योंकि यहाँ से मुझे बोट से निकलना होता है। ये देखो ये आ गई फटाफट से, यहाँ से बोट से निकलते हैं और उस पार जाना पड़ेगा। ये देखो आ चुकी है भाई, जल्दी जल्दी बैठते और निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। अभी मैं जो है ना उतर चुका हूँ बोट से और मुझे यहाँ से निकलना है सीधा बरसुआ बस स्टॉप, क्योंकि मुझे जो है ना वहाँ से जाना पड़ेगा बस से। तो चलो फटाफट से निकलते हैं और जाते हैं बरसुआ बस स्टॉप। फाइनली गाइस अपनी बस आ चुकी है, ये देखो खड़ी हो गई। चलो फटाफट से चलते हैं और बैठते हैं बस के अंदर। चलो भाई ये देखो अभी बस से और यहाँ से मुझे जाना है सीधा रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ से जो है रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे अंधेरी से। और ये देखो सामने जो है अंधेरी का रेलवे स्टेशन है, तो यहीं मुझे जाना पड़ेगा। और चलो फटाफट से निकलते हैं ट्रेन से। तो गाइस ट्रेन आ चुकी है और फटाफट से यहाँ से निकलना है मैं माहिम इस ट्रेन के अंदर बैठ के। ये देखो तो चलो फटाफट से चलते हैं क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ है और यहाँ से माहिम जाना है हमें, और जल्दी फटाफट से निकलते हैं माहिम से ही, जो फिर से वहाँ से भी एक चेंज करनी पड़ेगी। ये देखो चलो 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 है फाइनली गाइस आ चुके हैं, काफी टूट गया यार, आ चुके हैं ट्रेन के अंदर, यहाँ से निकलते हैं फटाफट। मेरा दिल है तेरी बनाऊं मैं, आ छुपा लूं। फाइनली गाइस उतर चुका हूँ माहिम रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से मुझे जाना है डायरेक्ट ईस्ट पर, वहाँ से डायरेक्ट पहुँचूंगा फिर धारावी। तो चलो फटाफट से निकलते हैं। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ धारावी और यहाँ से जो है ना धारावी स्टार्ट होता है, ये जो है ना सीधा उसके बस्ती के अंदर रोड जा रहा है, आप देख सकते हो ब्रिज। तो यहाँ से फटाफट से निकलते हैं हम बस्ती के अंदर और आज मैं अच्छी तरह से पूरा धारावी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। और आपने ये देखो, ये देखो देख रहे हो कितनी गंदगी है यहाँ पर, ये देखो पूरा नाला भरा पड़ा है और ये सारी आप देख रहे हो पूरी बस्ती ये है धारावी की। तो फटाफट से तुम्हारा भाई इसी के अंदर जाने वाला है और आज अच्छी तरह से पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ के, देखते हैं कैसा रहन सहन, कैसा खाना, कैसा पीना, क्या है क्या नहीं है सारी बातें। और आप देख सकते हो ये नाला कितना बड़ा है और इसमें कितनी गंदगी है, देखो पानी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, टोटल कचरा नज़र आ रहा है। तो चलो यहाँ से मुझे फटाफट से निकलना पड़ेगा और निकलते हैं बस्ती के अंदर। तो गाइस देख सकते हैं आप बढ़ चुका हूँ मैं गली के अंदर और देखो ये है धारावी की गलियाँ कितनी छोटी छोटी हैं। ये देखिए यहीं पे परचून की दुकान भी है अम्मा की, ये देखो। तो गाइस देख सकते हैं आप ये है धारावी की गलियाँ, ये देखो काफ़ी छोटी छोटी है, यहीं रहना यहीं खोना। ये देखो भाई मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, देख सकते हो आप इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, ये सब घर हैं इनके। ये देखो पानी वगैरह रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो गाइस बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा यार इतनी इतनी छोटी गलियां हैं धारावी की, पूरी अच्छी तरह से दिखाने वाला हूँ। चलो 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 देख सकते हो ये सब घर हैं इधर, ये देखो छोटा छोटा ये जीना जा रहा है, ये देखो अंधेरा हो रहा है तमाम, ये देखो देख सकते हो। तो गाइस अभी मैं घूम रहा हूँ बिल्कुल धारावी की गलियों में और बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल छोटी छोटी गलियाँ हैं, देख सकते हो लोग वगैरह हैं। ये देखो ये देखो भाई ये देखो ये पूरा खाली है, ये देखो ये सामने छोटे छोटे कमरे हैं, ये देखो
ये भी एक गली है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अंकल जी यहाँ पर रहते हैं, ये धारा भी है ठीक है, और अंकल जी का ये रूम है। तो अंकल जी यहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हैं? 50 साल हो गए। 50 साल से? हाँ जब 50 साल आपकी है मतलब यहाँ पहले से रहते हो? पहले से। अच्छा अच्छा, इसी घर में रहते हो पहले से? तो गाइस आप देख सकते हो काफी छोटा घर है ये देखो, ये किचन है ठीक है, यहीं पर किचन है और ये टीवी चल रही है, यहीं फ्रिज रखा है, इधर मंदिर वगैरह भी है अंकल का, और ये है, और यहाँ पर रहना सहना खाना पीना सब इसी के अंदर है ना अंकल जी? ऊपर भी रहते हैं क्या लोग? अच्छा अच्छा, आप देख सकते हो गाइस यार धारा भी का देखो, ये इतना सा छोटा घर देखो, पूरा दिखाता हूँ, ये अंकल जी का ही है। इसकी क्या कीमत होगी अंकल जी? हाँ इसकी 30 लाख। अच्छा तो देख सकते हो गाइस ये धारा भी के अंदर है, ये बन रहा हुआ कमरा देखो, और इसकी कीमत बता रहे हैं अंकल जी, ये आप देख रहे हो इतना सा ही एक ही कमरा देखो, और इसकी कीमत बता रहे हैं 30 लाख, और इसी के अंदर रहना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा अंकल जी इतने से छोटे से कमरे में रहना, मुश्किल तो रहता होगा, परेशानी तो काफ़ी होती होगी है ना, क्योंकि सामने इतना बड़ा नाला भी है आपके। अच्छा तो वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये देखो मच्छर वगैरह, और यहीं पर है सबसे बड़ा भी नाला, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसी के सामने रहते हैं बिल्कुल, देख रहे हो ये देखो, ऐसा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वैसे देख सकते हैं आप मैं फिर से एक गली में आ गया हूँ, और अंधेरा वगैरह है यार, ये देखो ऐसा किस तरह रहते हैं लोग, ये देखो पूरा अंधेरा है। तो भाई साहब देख सकते हैं कैसी कैसी गलियां हैं, ये देखो सब घर हैं, ये देखो पूरे घर हैं, देख रहे हो किस तरह यहाँ पर लोग रहते हैं बताओ, ये देखो ये भी घर है, ये भी घर है, ये देखो तो भाई देख सकते हैं परचून की दुकान है। चलो चलो चलो, काफी अंधेरा है गलियों में गाइस देख सकते हो, और काम वगैरह चल रहा है यहाँ पर, ये देखो अंकल जी ये देखो, यहाँ तो बल्ब लगा रखा है, यहाँ पर भी काम हो रहा है। अभी मैं जो ना 3-4 गलियों में घुसा था और काफी अंधेरा यार, और चारों तरफ घर ही घर, सब रह रहे बेचारे किस तरह, तो अभी मैं इस वाली गली में जा रहा हूँ, देखता हूँ इसके अंदर क्या होता है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, ये देखिए कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, इस सब जीने हैं, ये देखो चलो चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं, ये देखिए ये सब घर हैं, ये देखो देख सकते हैं आप गाइस किस तरह यहाँ पर ये लोग रहते हैं बेचारे, ये देखो सब घर हैं, ये देखो देख सकते हो यहाँ पर ये सब आंटी वगैरह सारे काम कर रही हैं, ये देखो यहाँ पर ये पानी वगैरह चल रहा है, ये देख सकते हो। और जैसे कि आपको बता दूंगा इस यहाँ पर जो है ना 2 किलोमीटर के दायरे में 15 लाख लोग रहते हैं, इस तरह ये देखो 15 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर, ये देखिए छोटी सी बच्ची बेचारी। चलो अभी चलते हैं इधर की तरफ और देखते हैं। फाइनली गाइस देखो आप देख सकते हो जैसे कि अंकल जी बना रहे हैं, अंकल जी क्या है ये? मैंगो जूस। अच्छा फ्रूट रोलिंग आइसक्रीम 10 रुपये 15 रुपये, तो चलो फटाफट से चेक करते हैं आज कैसा रखता है खाने में, ये देख सकते हो अंकल जी बना रहे हैं यार काफ़ी, मतलब ये फल फ्रूट वगैरह से बनाया जा रहा है अंकल जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो ये इस पे जम, जैसे कि आप देख सकते हैं तुम्हारे भाई ने ये ले लिए और इसको खा कर ट्राई करते हैं कैसा लगता है, तो फटाफट से देखते हैं, काफ़ी टाइम लगा इसमें 10 से 15 मिनट लग गए, तो देखते हैं इसको ट्राई करके कैसा लगता है, काफ़ी ठीक ठाक अच्छी लग रही है वैसे। चलो फटाफट से खाते हैं और निकलते हैं अभी धारावी की और गलियों में, अभी जो ना गलियों से बाहर आ चुका हूँ आइसक्रीम वगैरह खा के, तो इधर की तरफ आ चुका हूँ, ये है धारावी की लोकल मार्केट, चलो आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये धारावी की लोकल मार्केट है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सारे फल फ्रूट वगैरह ये सब दिख रहे हैं, देखो अंडा मीट मछली सब कुछ, ये देखो
तो देख रहे हैं आप मुंबई की एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है, वो है नान खताई। ये देखो तो भैया साहब ने लिए और देखते ट्राई करो कैसी है। अच्छा ये है क्या नान खताई, कैसी लग रही भैया? भाई बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी है, अरे भाई चलो आज हम भी ट्राई करके देखते हैं। सस्ती तो है वाली, इससे थोड़ा महंगी लोग ना वो ज्यादा अच्छी होगी। नहीं नहीं मैं ज्यादा महंगी सस्ती वाली है भैया, सस्ती वाली अच्छी महंगी लोग बहुत होगा वैसे काफी अच्छी है। ये मुंबई की फेमस है अपना टून हो गया, ये हो गया क्या भैया? आप ही गली देख रहे हैं ना, ये देखो ये पूरी अंदर तक गई है और इसके अंदर जो है ना एक से एक बड़ा कारखाना जीन्स का, हर एक चीज़ बन रही है इसके अंदर, बेकरी वगैरह ये सारी चीज़ें। ये देखो ये पूरी गली अंदर तक है, देखो ये देखो, और ये डबल रास्ते बनी हुई है, एक ऊपर है देखो सामने और एक अंदर कुछ सीधा सुरंग जा रही है देखो, और यहाँ पर एक कपड़े की बेकरी वगैरह है ये देख सकते हो। ये देखो भाई किस तरह पूरा टीनों का बना रखा है, ये देखो ये सभी लोग यहाँ से निकल रहे हैं फटाफट से। तो चलो चलते हैं अभी बाहर की तरफ, ये जीन्स देख सकते हैं यहाँ पर कितनी छोटी गली है यार, ये देखो यहीं रहना यहीं खाना सब रहता है, ये देखो सब कपड़े सपड़े सब, ये देख रहे हो ये बर्तन वगैरह सब यहीं रहते हैं लोग। ये देखो ये जीना है, ये देखो चलो अभी चलते हैं। ये देख सकते हैं गाइस सब रहना सहना खाना सारा यहीं होता है, ये देखो ये देख सकते हैं, देख रहे हो गाइस ये सब, ये भी एक गली है, ये देखो ये सब घर है सब रह रहे हैं यहाँ पर लोग। यहाँ की जो गली है ना बहुत छोटी छोटी है, आपने देख रहे होंगे छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ किस तरह लोग रह रहे हैं, और ये सारा कुछ आप देख रहे हैं ये सारा जो है ना धारावी का है, किस तरह लोग रहते हैं छोटे छोटे घर हैं, पर इनकी तो घरों की है ना कीमत बहुत ज़्यादा, 30 लाख 40 लाख 50 लाख इस तरह इन घरों की मेहनत है कीमत है मतलब। तो अभी चलते देखते हैं अभी क्या रहता है और चलते हैं फटाफट से अभी अंदर की तरफ देखते हैं, जैसा भी है सब कुछ इसमें आपको आज बताने वाला हूँ, सब कुछ दिखाता रहूँगा पूरी धारा भी आज घुमा दूँगा अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ये भी शायद एक गली है, चलो इस गली के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या होता, क्योंकि काफ़ी लोग वगैरह छोटी छोटी गली हैं, लोग मुझे ही देख रहे हैं कि कैमरा लेकर घूम रहा है, तो लोगों की नज़र रहती है कि बंदा कर क्या रहा है। चलो अभी देखते हैं, लोग बाग देखते रहेंगे हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है, जिसको फोकस करना है जिस काम पे हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर अच्छे से। तो गाइस जैसे कि देख रहे हैं आप, चलो यहाँ से निकलते हैं, छोटी छोटी अंधेरा बहुत ज़्यादा है किस तरह लोग रहते हैं, ये देखो ये देखो इधर से शायद बंद है या खुल रही है देखते हैं, तमाम अंधेरा अंधेरा मिलेगा शायद ओपन है, चलो देखते हैं किस तरह लोग रहते हैं यार बताए थे किसी गलियों में। ये देखो ये देखो ये भी गली है बाबू, ये कहाँ तक है पार है क्या बेटा, पार है ये गली, किधर जा रही है ये गली? अच्छा बड़े बाजार की तरह, ये देखो भाई तीनों के घर हैं बने हुए, ये देखो चलो इधर को चलता हूँ मैं अभी दिखाता हूँ। तो भाई धारा भी एक ऐसा इलाका है ना कि यहाँ पर जो है ना इन गलियों में 15 लाख लोग रहते हैं, अब देखो किस तरह रहते हैं ये सारे लोग, इतनी मेहनत लगती है हमसे नहीं रहा जाता भाई, पानी वगैरह सब सिस्टम सब, इतनी गली है कि बस तुम निकल सकते हो यहाँ से दूसरा सामने सेट नहीं ले सकते, यहाँ पर रहना खाना सब कुछ एक कितनी सी गलियों में बताओ किस तरह ये लोग रहते हैं। और मैं बाहर आ चुका हूँ, बाहर ठीक है चलो चलते हैं अभी देखते हैं क्या रहता है। ऐसे ये बाहर आई हूँ मैं गलियों से, ये देखो ये पूरी धारा भी है, ये देखिए ये देखिए यहाँ पर मंदिर भी है कितना बड़ा देख सकते हैं, ये देखिए
और ये देखिए पूरी लोकल मार्केट है धारावी, सारी चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो। ये देख, चलो अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, देखते हैं अभी कहाँ जाना है। तो फाइनली गाइस बैठ चुके हैं अंधेरी ट्रेन के लिए और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज, क्योंकि यार पूरी सारी गलियों में घूमे हैं और आपको दिखाया गया छोटे छोटे घर किस तरह यहाँ लोग बसर करते हैं, किस तरह रह रहे हैं। भाई देख के मैं तो अचंभे में रह गया, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं मुंबई में घूम रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका या कहीं आउट ऑफ कंट्री निकल गया। तो अभी यहाँ से सीधा निकलते गाइस अंधेरी, तो हो सकता आज मैं आपको थोड़ा सा अंधेरी भी एक्सप्लोर करके दिखा दूँ, तो चलो निकलते हैं। तो फाइनली गाइस घर पहुँच चुका हूँ और आज का व्लॉग यहीं तक था। तो गाइस फाइनली आपको ये व्लॉग कैसा लगा, जैसा कि आपको पूरी धारावी अच्छे से घुमाई, अच्छे से एक्सप्लोर कराई, वहाँ का कल्चर दिखाया और वहाँ के लोगों से बातचीत हुई और वहाँ के लोग किस तरह रहते, इतनी छोटी छोटी गलियाँ, आई बिलीव यार मुझे तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा कि लोग इतने छोटे घरों में भी रहते हैं, पर उनके घरों की कीमत 30 लाख 40 लाख 50 लाख, जैसे कि आपको पता मैंने पूछा था एक आदमी से, बहुत ही ज़्यादा महंगाई भी थी। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो इसलिए आपको एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए आप कमेंट करते हो या नहीं करते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ओके लव यू बाय।